आज तक किसी ने ऐसा मजा डुंबर में आके नहीं किया। This is my first time as a rider. मैं कोई राइडिंग इवेंट अटेंड करने जा रहा था। The 100 meet THM volume 2. इन वादियों में खो गया हूँ, तेरी खामोशी को सुन रहा हूँ। जान ले पर फिर भी लगता है कुछ कहना है। तेरी आंखों में आंसू ना हो, रब से सब छीना है। मैंने सोचा इसको व्लॉग नहीं कैप्चर करेंगे, तो इस बार सिर्फ कैंडिड इमोशंस। Was the night in shining armor in your blue? You're rocking the stage. Put your lips on mine and love the aftertaste now. I'm a ghost, I call your name, you look right through me. You're the reason I'm alone and masturbate. Hey! I've been trying to fix my pride, but that shit's broken. That shit's broken. इवेंट के पहले दिन का जो कार्यक्रम था सब कुछ समाप्त हो चुका था। रात के बज रहे थे एक, सभी लोग इवेंट में जो लोग आए हुए थे सभी सो चुके थे। हम लोग सोए नहीं, पूरी रात मस्ती मजाक में ही बिता दी। अरे भाई डेवलपमेंट से काजीरंगा तो है वेरी सी ना की है ये कोई कैसे बड़ा है की था लेक्टर फोटो ला तुल्ला से ना सबसे वाले ওই লেকটা বড় আছে খুব সুন্দর ও আগে এই জায়গাটা তোমার ও সান 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 ই রেজ ডগ ঠিক আছে না 10:418 सब लोग यहाँ पे सनराइज का इंतजार कर रहे हैं। नहीं नहीं है ये बातें वही, फिर इस मोड़ पर हम मिले हैं। न जाने अब मिलेंगे हम कभी। हमको कैप्चर करनी थी सनराइज फ्रॉम दिस ब्यूटीफुल टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन त्रिपुरा called Dumbur Lake, located in Gandachera subdivision, 120 km away from Agartala city. The look of the lake is like tabor-shaped small drum, Dumbur of Lord Shiva, from which the name Dumbur originated. It has 48 islands in the midst of the lake. तुझे अभी बुला रही है, ना जाओ दूर इनसे, कहें ये सुकून कहाँ पे है हासिल दिल को मेरे। ये है पता कि मीलों का ये फासला है, अलग आसमां भी है, तो क्या ये दिल ना माने। ये गाड़ियों की ऐसी दौड़ सा तेरा भी दिल दौड़ता है। हाँ जा रहे हो दूर तुम तो क्या मैं ही तो दिल का मुसाफिर। तो एक बार फिर तू हंस के जरा देख ले। लेक का ये खूबसूरत सा पानी देख के मानो एक दिल को सुकून सा मिला, तो और क्या, हम कूद गए पानी में। कुछ सही है, ये देखो गोवा गोवा बीच पे गोवा लाइट, गोवा ये त्रिपुरा का गोवा लाइट, गोवा लाइट, गोवा लाइट। बॉडी इतना थक चुका था, हम लोग आते ही सो गए और उठे रात के 11 बजे। वही था इवेंट का लास्ट डे, यानी कि तीसरे दिन हमें फिर से निकालना था अपने घर के लिए Home is wherever I'm with you.
इवेंट के दो दिन मैं जी भर के जिया। कैमरा से ज्यादा टाइम मैं लोगों के साथ बिताया। बहुत अनजान राइडर्स के साथ दोस्ती भी हुई। दिस इज माई स्टोरी द 100 मीट।